आज हम बनाएंगे ब्रेड से मिठाई। आइए चलते हैं, आपको बताते हैं ब्रेड से मिठाई कैसे बनाई जाती है। मैंने ये मैदा वाली ब्रेड ली है, 8 स्लाइस हैं आप देख सकते हो, और इनकी मेरे को साइड वाली लेयर निकालनी है क्योंकि ये मिठाई में अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए सारी लेयर निकाल देना है। इनको आप दूसरे चीज़ में ले सकते हैं, क्रम्स, ब्रेड क्रम्स बनाने के काम आ सकती है ये। तो मैंने आप सारी ब्रेड चारों साइड से कॉर्नर निकाल ली है। अब इसको हमको एक मिक्सर जार लेना है, उसमें सारे पीस तोड़ के ऐसे डालना है और इनको हम मिक्सी के जार में डाल के पीसेंगे। देख सकते हैं ये ऐसे पिस के एकदम बढ़िया हो चुकी है, ऐसा फाइन बन पीसना है। तो इसको हम एक मिक्सिंग बाउल में निकालेंगे। अब इसमें हमको चीनी और पीसना है, चीनी हमको इसमें 1/4 पीसना है, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ब्रेड भी मीठी होती है और दूध भी मीठा होता है, मलाई, तो बस इतनी चीनी लेंगी। अब इसको भी मेरे को बारीक पीसना है, चीनी भी पीस चुकी है, ये देख सकते हैं आप। अब इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। और अब इसमें मैंने आज फ्रेश मलाई है, आज ही के दूध की ताज़ी मलाई है एक दिन की, उसमें थोड़ा थोड़ा करके मलाई ऐड करेंगे। और ये मिल्क पाउडर है जो 10 रुपये वाला पैकेट आता है, मैंने उसमें 2 पैकेट मिल्क पाउडर लिया है। और ये चीनी है पीसी हुई, चीनी को आधा डालना है इसमें से। अब इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। बिना गैस जलाए इतनी परफेक्ट बढ़िया मिठाई बनती है, ऐसे आप मेहमान भी आए तो उनको बना के खिला सकते हो। सभी आपसे पूछेंगे यह मिठाई आपने कैसे बनाई, एक बार आप बना के टेस्ट करना और मेरे को बताना। देखो जी ऐसे बढ़िया एकदम से डो बन गया है। बस अब इसको हम एक प्लेट या उसमें सेट करेंगे। सेट करने के लिए फ्रिज में रखना है 1 से 2 घंटे के लिए। इसका डो एकदम ऐसा चिपचिपा रहना चाहिए, इससे अच्छे से सेट हो जाता है। अब हमको एक प्लेट लेना है, प्लेट में इसमें थोड़ा घी लगाना है और उसको सेट करने के लिए रखना है। मैंने एक ट्रे ले ली है, उसमें इसको डालूंगी और अच्छे से इसको सेट करूंगी। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम मावे की तरह दिख रहा है। और जितनी आपको मोटी लेयर रखना है, पतली रखना है, वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। आप सोच रहे होंगे सुर सुर क्यों कर रही हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा हल्का जुकाम हो चुका है, इसलिए अभी मेरे को जुकाम की वजह से आवाज़ ऐसी निकल रही है मेरी। मैंने सेट कर ली है, इस पर थोड़ी गार्निशिंग के लिए बादाम लगा रही हूँ। आपके पास अगर पिस्ता है तो पिस्ता सिल्वर सिल्वर पे वो आता है बर्ग, वो लगा सकती हैं, जिसे हम चांदी का बर्ग भी बोलते हैं। मेरे पास अभी वो है नहीं, इसलिए मेरे पास सिर्फ बादाम है, इसलिए मैं बादाम लगा रही हूँ। आप जो घर की सामग्री हो वो, जैसे आप बादाम, काजू, कुछ भी ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं, इससे क्या है बर्फी और भी दिखने में सुंदर लगेगी।
अब आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। आप देख सकती हैं 2 घंटे बाद एकदम बढ़िया बर्फी जम चुकी है, टाइट एकदम। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप कितनी एकदम परफेक्ट बर्फी जमी हुई है। आप एक बार मेरी तरह ये बर्फी बनाइए और खाइए। ब्रेड की इतनी अच्छी मिठाई आप भी मेहमान को खिलाओगे, मेहमान भी पूछेंगे आपने ये कैसे बनाई और कितने टाइम में बनाई। मात्र 5 से 10 मिनट में बन जाती है, सिर्फ इसको सेट होने में 2 घंटे का टाइम देना पड़ता है। और आपको या मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और वीडियो पसंद नहीं आई हो तो इसे आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। बाय।